डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, संयुक्त राष्ट्र से घोषित सूची में शामिल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आने में पाकिस्तान एक बार फिर सफल नहीं हो सका। जर्मनी की अध्यक्षता में 5 दिन चली बैठक के बाद FATF ने पाकिस्तान के प्रयास नाकाफी बताए। अभी उसे सूची से बाहर आने के लिए काफ़ी कुछ करना होगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की कारगुजारियों को लगातार उजागर करके ग्रे लिस्ट से बाहर आने के प्रयासों पर पानी फेर दिया है। FATF ने महसूस किया कि बार बार की चेतावनियों के बावजूद आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के खिलाफ जांच करने और मुकदमा चलाने का दिखावा जरूर किया, पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद जैसे कुछ नेताओं को अदालत ने आतंकी फंडिंग में दोषी माना और सजा सुनाई, पर दूसरे कई आतंकी संगठनों के खिलाफ कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई। जैश ए मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, जबकि इसके आतंकी हमलों में शामिल होने के सबूत सामने आए थे। FATF को ऐसी सूचना है कि अफगानिस्तान से अमरीकी सेनाओं की वापसी के बीच तालिबान ने पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए धन जुटाया। हालांकि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने के भारत के प्रयास को भी सफलता नहीं मिल रही है। हर बार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में आगे बढ़ने का दिखावा करने में पाकिस्तान सफल हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। FATF ने पाकिस्तान को 2018 से ही ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन हासिल करने में उसे समस्या जरूर हो रही है, पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी है। यह जगजाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से हासिल धन का इस्तेमाल पाकिस्तान चोरी छिपे आतंकी संगठनों को मदद देने में करता रहा है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान सहित 19 देश हैं। इनमें कई देश टैक्स चोरों का स्वर्ग समझे जाते हैं। कई ने आतंकियों को फंडिंग का रास्ता बना रखा है। पाकिस्तान को 2012 से 2015 के बीच भी ग्रे लिस्ट में रखा गया था। बाद में वह ऐसा दिखाने में सफल हो गया कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी हरकतों को रोकने का उपाय कर लिया है। इस बार भी पाकिस्तान सरकार की यही कोशिश है कि उसके सफ़ेद झूठ को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सच मान ले, FATF को दिखावे और हकीकत में अंतर समझना होगा। पाई पेरा चेंज। अन्य अनेक स्थानों के कुछ व्यक्तियों की तरह भारत में भी एक पतला दुबला ठिगना एवं तेज चमकीली आंखों वाला धार्मिक नेता विश्व की वर्तमान स्थिति से बहुत चिंतित है। 34 वर्ष की आयु वाले इस भारतीय संत का नाम तुलसी है, जो अहिंसा में विश्वास रखने वाले जैन संप्रदाय 13 पंथ के आचार्य हैं। आचार्य तुलसी ने सन
1949 में अनुवर्ती संघ की स्थापना की, जब वे समस्त भारतवासियों को नैतिक जीवन जीने की प्रतिज्ञाएं ग्रहण करवाने में सफल हो जाएंगे तो वे विश्व के शेष भागों में रहने वाले व्यक्तियों को भी अनुवर्ती जीवन जीने की प्रेरणा देंगे। ये पंक्तियाँ न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाली पत्रिका टाइम के 15 मई 1950 के अंक में अनुवर्त और अणुबम शीर्षक से उसके संपादक द्वारा लिखे गए एक अग्रलेख में से अद्भुत की गई है। यह संपादकीय टिप्पणी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित नगर निगम के विशाल प्रांगण में एक असाधारण घटना से अनुप्रेरित थी। अनुवर्ती संघ की स्थापना का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। ऊंचे आसन पर युवक आचार्य तुलसी विराजमान थे। उस युवक आचार्य ने कहा, समाज में व्याप्त अनैतिकता, हिंसा एवं दुराचार से मेरा मन भारी एवं व्यथित हो उठा है। मैंने यह निश्चय कर लिया है कि आज से मैं अपना संपूर्ण जीवन समाज में व्याप्त अनैतिकता के विरुद्ध संघर्ष करने में व्यतीत करूँगा। मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा अहिंसा एवं मानवीय एकता पर आधारित विश्व का निर्माण करना। यदि अणुबम में विश्व को नष्ट करने की राक्षसी शक्ति है तो मैं कहना चाहूँगा कि उसका प्रतिरूप हमें अणुवर्त में मिलेगा, जो अणुबम के निहित खतरे से मानव जाति को बचाने में सक्षम है। इन शब्दों का लोगों पर जादुई प्रभाव पड़ा। 600 से अधिक श्रावकों ने अणुवर्त प्रतिज्ञा ग्रहण की। इनमें अधिकतर व्यापारी एवं उद्योगपति थे। उन्होंने कालाबाजारी, रिश्वत, शोषण, सांप्रदायिकता, हिंसा, मिलावट आदि बुराइयों से एक निश्चित सीमा तक दूर रहने के लिए व्रत ग्रहण किए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। देश विदेश के दैनिक पत्रों ने प्रमुखता से मुख्य पृष्ठ पर इस घटना से जुड़े समाचार प्रकाशित किए। तब से लेकर अब तक अणुवर्त आंदोलन ने एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गई हैं। हजारों हजारों लोगों ने अणुवर्त के आलोक में नया जीवन प्रारंभ कर अनंत शांति की अनुभूति की है। पाई पैराचेंज स्कूलों को ऐसे उत्तम स्थल बनना चाहिए जहां बच्चों में समय को समझने का विवेक विकसित हो। स्कूलों के संचालक, अध्यापक एवं विद्यार्थी यीशु के पदचिन्हों पर चलते हुए दूसरों की भलाई के प्रति समर्पित रहें। हाशिए पर जीवन यापन करने वाले निर्धन तथा परित्यक्त लोगों के प्रति उदार बने। उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का हर संभव प्रयास करें। स्कूलों के दरवाजे सभी के लिए खुले रहने चाहिए। स्कूल ऐसे होने चाहिए जहां निर्धन से निर्धनतम भी प्रवेश करने में भय न खाएं। स्कूलों को ज्ञान के प्रसार में लगा रहना चाहिए ताकि मानवता का कल्याण हो सके। स्कूलों को अपने आप में संकुचित होकर नहीं रहना चाहिए, अपितु स्कूल ऐसे स्थल होने चाहिए जहां सभी विद्यार्थी सबके साथ मिलकर रहें। भाईचारा और आपसी सम्मान का माहौल हो। भाईचारे की भावना रखना हमारा नैतिक कर्तव्य तो है। यह मानव जाति और सारी सृष्टि के लिए आवश्यक भी है। पूरी मानव जाति एक परिवार है।
इसलिए हम भाईचारे की भावना से दूर नहीं रह सकते। स्टॉप।